अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डेज़ ऑफ वीक जो है वो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी। मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे मीन सोमवार, यानी उर्दू में इसे पीर कहते हैं और हिंदी में इसे सोमवार कहते हैं। अब तलफ़ जो है इसके नीचे हमने लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, यानी मंडे जो है इंग्लिश में, उसके नीचे हमने उर्दू में तलफ़ लिखा हुआ है मंडे। अब चलते हैं ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, तलफ़ नीचे लिखा हुआ है ट्यूसडे। हिंदी में इसे मंगलवार कहते हैं और उर्दू में इसे मंगल कहते हैं। तलफ़ से ये है कि जो इंग्लिश समझने वाले बोलने वाले लोग हैं उनको हिंदी के नीचे जो लिखा हुआ है इंग्लिश वर्डिंग में वो तलफ़ है, यानी उनको पता चलेगा कि ये मंगलवार है, और उर्दू के नीचे जो लिखे हुए हैं स्पेलिंग वो भी मंगल के लिखे हुए हैं। वेनसडे, WEDNESDAY, वेनसडे। यहाँ पे डी जो है वो साइलेंट हो जाता है तो इसे वेनसडे पढ़ते हैं। तो हिंदी में इसे बुधवार और उर्दू में इसे बुध पढ़ते हैं। तीनों ज़ुबानों में एक ही वीडियो में हम गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से भी और दूसरे ममालिक से भी हैं। थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे उर्दू में जुमेरात और हिंदी में गुरुवार। थर्सडे इंग्लिश में, उर्दू में जुमेरात और हिंदी में गुरुवार। तीनों ज़ुबानों में हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं और बोलकर भी बता रहे हैं, थर्सडे, गुरुवार और जुमा। फ्राइडे जुमा होता है उर्दू में और हिंदी में शुक्रवार। FRIDAY, फ्राइडे। उर्दू में जुम्मा और हिंदी में शुक्रवार। फ्राइडे उर्दू में है जुम्मा और हिंदी में शुक्रवार। सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे को उर्दू में हफ्ता कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में, और हिंदी ज़ुबान में सैटरडे को शनिवार कहते हैं। सैटरडे इंग्लिश में, हफ्ता उर्दू में और हिंदी में शनिवार। संडे, SUNDAY, संडे। इसका तलफ़ नीचे उर्दू में लिखा हुआ है। संडे को उर्दू ज़ुबान में इतवार लिखा और पढ़ा जाता है, तो नीचे इसके हमने वर्डिंग में लिखा हुआ है इंग्लिश वर्डिंग में इतवार, ताकि पढ़ने वालों को इसका उर्दू ज़ुबान का तलफ़ जो है वो पता चल सके। और हिंदी ज़ुबान में इतवार को, संडे को रविवार कहते हैं। इंग्लिश में संडे, उर्दू में इतवार और हिंदी में रविवार।